जय हिंद जय भारत। मैं संजय चौहान। बच्चों आज आपके साथ एक छोटी सी सूचना शेयर करना चाहता हूं। पूरा भारत इस समय एक पशुओं की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, लंपी वायरस। ये संक्रमणकारी रोग है और त्वचा का रोग है। जैसे बच्चों में होता है मंकी पॉक्स था, चिकन पॉक्स था, इसी तरह का पशुओं में है लंपी वायरस। लेकिन ये मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स से बिल्कुल अलग बीमारी है। ये उस तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन एक वायरल डिजीज है, यानी वायरस से फैलती है। और वायरस का कोई इलाज नहीं है। आपने कोरोना के दौरान देख लिया होगा, वायरस का इलाज केवल शरीर की रेजिस्टेंस पावर होती है। जिसकी मजबूत है वो बच जाएगा, जिसकी मजबूत नहीं है वो चला जाएगा। लंपी वायरस जो है बच्चों, जिसमें आपको दिखा रहा हूं पशुओं में कितना बुरा हाल है, देखिए आप अभी इसका, ये देखिए आप पशुओं में छोटी करीबन 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के गोल गोल इसमें गांठ बन जाती है। तो इसे गठिया वायरस भी कहते हैं या गांठ वाला वायरस भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो ये वायरस केवल पशुओं में होता है, पशु से पशु में फैलता है, पशुओं से मानव में फैलने का कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। ये इस तरह का वायरस है। देखिए पशु कितना इससे परेशान है, ये देखिए आप कितनी बुरी त्वचा हो जाती है उनकी। ये ज्यादातर बाहरी त्वचा पर, उनके आंख के आसपास, नाखून के आसपास और सींग के आसपास, जहां जहां मांस ज्यादा होता है ये वहीं वहीं ज्यादा होता है। पहले छोटी फुंसियां निकलती है, फिर बड़ी फुंसियां निकलती है, और कुछ समय बाद ये फुंसियां जब फूट जाती हैं तो इनसे एक इसमें गांठ होती है, वो गांठ ऐसे फैल जाती है, उसका लिक्विड फैल जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। ये एक वायरस है बच्चों, इसमें आपको ये देखना है, ये वायरस होता है वायरस डिजीज कोई भी हो, बहुत ज्यादा संक्रामित होती है, एक संक्रमण बीमारी होती है जो बहुत ज्यादा संक्रमण के साथ फैलती है, बहुत जल्दी से फैलती है। सबसे पहले जो लंपी वायरस है ये 1929 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया एक देश है, कौन देश, जाम्बिया, जाम्बिया में पशुओं में ये सबसे पहले वायरस देखा गया था। तो तब इतना वो नहीं था, बहुत पुरानी बात है, तकनीकी इतनी इस तरह की नहीं थी। उसके बाद ये यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीपों में फैला। एशिया में आप जानते हैं भारत है, बांग्लादेश है, ये ऐसे देश है जो कृषि प्रधान देश है और यहां मिश्रित कृषि होती है। मिश्रित कृषि मतलब होता है जहां पशुपालन और कृषि साथ साथ होती है, उसे बोलते हैं मिश्रित कृषि। तो सबसे पहले 2019 में, ये जुलाई की बात है, 2019 में ये मामला सबसे पहले बांग्लादेश में आया, ये जुलाई की बात है 2019 की। उसके अगले महीने अगस्त में ही, अगस्त 2019 को ही इसका जो मामला सबसे पहले भारत में उड़ीसा में आया, उड़ीसा के बाद तमिलनाडु केरल इधर से होता हुआ। तो ये थोड़ी कम था संक्रमण, क्योंकि पशु होता क्या ना, अगर पशु जिसको ये बीमारी होती है सबसे पहला काम होता है कि उस पशु को क्वारंटाइन कर दो। क्वारंटाइन शब्द, लॉकडाउन शब्द, हमने कोरोना के दौरान शब्द सुने, पहले तो इन शब्दों को हम उच्चारित भी नहीं कर पाते थे, पर अब ये शब्द हमारे साथ फैमिलियर हो गए हैं। तो सबसे पहले उस पशु को क्वारंटाइन किया जाता है, यानी अन्य पशु से उसको बिल्कुल अलग कर दो। तो ये बीमारी बहुत तेजी से नहीं फैली 2019 के बाद, लेकिन अभी कुछ समय पहले गुजरात और राजस्थान में कई हजार पशु, विशेषकर गाय और बैल और इनके पछड़े, ये बहुत बड़ी मात्रा में मरे हैं। 25,000 से अधिक पशु ऐसे जो अभी संक्रमित है इससे, ये संख्या लाखों तक जा सकती है। तो लंपी वायरस एक जैसा वायरस हम लोगों को, जैसे कोरोना वायरस है, मंकी पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, उसी तरह का एक वायरस है जो त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है, अब जो इसको, ये जो वायरस है, से बचने का उपाय क्या है? देखो किसी भी वायरस से जो बचने का काम होता है वो सबसे जरूरी काम होता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, चाहे वो शरीर जो हो पशुओं का हो, शरीर की रेजिस्टेंस पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। शरीर की क्षमता कैसे बढ़ेगी, बात और जो दवाइयां हमारे लिए होती है मनुष्य के लिए, वही दवाइयां कुछ मात्रा में पशुओं के लिए भी काम करती है। सबसे पहले लंपी वायरस में पशु को बुखार आएगा, बुखार आने के बाद उसके मुख से और नाक से लार निकलेगी,
उसके बाद उसकी त्वचा पे धीरे धीरे छोटी छोटी गांठें बनने लगेंगी। जब ये गांठें बनेंगी तो धीरे गांठें थोड़ी बड़ी होने लगेंगी और बाद में गांठें फूट जाती है। इस वायरस का प्रभाव लगभग 7 दिन तक ज्यादा होता है। अगर उस पशु की प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है, वो 7 दिन झेल गया, तो उसके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाएगी, यानी ऐसे एंटीबॉडीज बन जाएंगे जो इस वायरस को समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर वो 7 दिन के अंदर उसकी रेजिडेंस पावर कमजोर है पशु की, तो वो पशु 7 से 10 दिन के अंदर बच्चों मर सकता है। कारण क्या होता है? एक तो रेजिडेंस पावर कम होती जा रही, बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो दूसरी बीमारी पशु को घेर लेती है, लीवर खराब होने लगेगा, उसका जो सिस्टम उसका डाइजेशन सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, घास कम खाएगा, कमजोरी आ जाएगी। जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो कुछ समय बाद वो पशु मर जाएगा। बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या, ये देखिए आप, बचाव का तरीका सबसे जरूरी है। वैसे तो इंग्लिश इलाज तो बहुत सारे हैं, वायरस का इलाज यही होता है कि एंटीबॉडीज दी जाती हैं, एंटीबायोटिक शरीर के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं। देसी इलाज में आप धंगना, हल्दी, कई सारे इलाज पशु पाल को एक साथ करने पड़ेंगे। हल्दी, नीम, फिटकरी, काली मिर्च, गिलोय, ये ऐसी चीज है जो पशुओं को दी जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी, काली मिर्च, हल्दी काली मिर्च के लड्डू बनाकर, हल्दी और काली मिर्च को उसमें देसी घी डालकर, थोड़ा सा देसी घी, हल्दी कम रखनी है, हल्दी बहुत ज्यादा नहीं रखनी बच्चों, और ये भी कम रखनी है मिर्च भी, लगभग अगर 100 ग्राम घी है तो 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम काली मिर्च के लड्डू बनाकर वो पशुओं को दिए जाए। तो अगर हल्दी हमने ज्यादा करें तो हल्दी गर्म होती है, तो पशु की जो रेजिस्टेंस पावर है, जो एंटीबॉडीज है उसके, वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेंगे और वायरस से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो हल्दी के और काली मिर्च के और देसी घी के लड्डू बनाकर हम पशु को दे सकते हैं। जो बीमार पशु नहीं है उसको दे सकते हैं, और जो पशु बीमार है उसको देना ही है। इसके अलावा पशुओं को नीम और फिटकरी के गर्म पानी से, हल्का सा गर्म पानी लेकर, निवास पानी लेकर, उस गर्म पानी में नीम और फिटकरी को डालकर पशुओं को नहलाना चाहिए प्रतिदिन। आसपास तो जहां पशु बनता है वहां पर इसका छिड़काव करना चाहिए। एक आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, उसको लाल दवा कहते हैं, उसका भी छिड़काव करना चाहिए पशु के आसपास, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मक्खी मच्छर से फैलती है। जिस पशु को ये बीमारी है, अगर उस पर मक्खी बैठी, मच्छर बैठी, और वो वायरस को एक पशु दूसरे पशु में ले जाएगी, तो इसका उपचार है। मनुष्य को डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि बीमारी कभी ऐसे नहीं है कि बहुत वायरस जो होते हैं इस तरह के होते हैं। एक तो वायरस कैसा है, एक तो वायरस होता है जो मनुष्य मनुष्य में फैलता है, एक वायरस कैसा है जो पशु से मनुष्य में आता है। जैसे आपका कोरोना वायरस था, ये आपका जो जैसे पक्षी थे, चमगादड़ था, ये सब थे मनुष्य में आया। कुछ वायरस ऐसे जो पशु से पशुओं में रहते हैं, वो मनुष्य में नहीं आते, तो ये उन्हीं में से एक वायरस है। तो इसलिए मनुष्य को उनके साथ हाथ लगाने से, उनको छूने से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर आपके जख्म है तो कहीं ना कहीं जो मक्खी बैक्टीरिया, कोई और अन्य बैक्टीरिया है, वो आपको संक्रमित कर सकता है। तो सावधानी के साथ ये उपचार करिए, और जहां तक हो सकता है पशुओं की रेजिस्टेंस पावर बनाने का प्रयास कीजिए, और जो जिस पशु की बीमारी है उसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए, तो आपको इससे समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटी सूचना थी, जो कि लंपी वायरस ने, भारत एक पशु प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, मिश्रित कृषि करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ का किसान केवल कृषि पर निर्भर नहीं है, वो पशुपालन पर भी निर्भर करता है। अगर हमारे यहाँ का किसान की खेती कमजोर पड़ गई तो पशु को सहारा देते हैं। ये हमारी केवल हमारा केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं है, हमारी इकोनॉमी नहीं है, ये हमारा कल्चर भी है। पशु गाय को माता मानते हैं, और आज वही माता हमारी खतरे में है, तो इसलिए सभी को उनकी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत साधुवाद, जो ये काम कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में लोग सेवा कर रहे हैं गाय माता की, कि जो घूम रहे हैं ना आजकल पशु, जो घूम रहे हैं आवारा, जिनको हम आवारा पशु कहते हैं, उनको भी बीमारी है, तो उनकी लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो सभी लोग आगे आने चाहिए, और उन जो खुले पशु होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।